दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग BNMU और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोग जान लीजिए कि BNMU ने पार्ट थर्ड परीक्षा सेंटर जारी कर दिया है। आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका सेंटर कहां पर पड़ा है और कहां पर आप पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप सेंटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पार्ट थर्ड के सेंटर लिस्ट को जानेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 7/5/2019 यानी आज ही जारी किया गया है। विषय स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2018 के लिए पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र से परिवर्तित कर निम्नलिखित रूप में नए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने के संबंध में निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र के अनुसार प्रवेश पत्र पर अंकित किया गया है, जिस पर अपने स्तर से प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का नाम एवं कोड अंकित करना चाहेंगे, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है। यानी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है उन पर जो है कि दूसरा एडमिट कार्ड है, लेकिन अब परीक्षा केंद्र को परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर जो लिस्ट जारी किया गया है इनके अनुसार आप अपने एग्जाम में भाग लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से है कि क्रम संख्या एक में देखिए कि SRC डिग्री कॉलेज कटिहार, इनका जो सेंटर बनाया गया था एडमिट कार्ड पर दिया गया था वो था DS कॉलेज कटिहार, लेकिन आपको अब देना किस पर है? एडमिट कार्ड पर आपको रहेगा DS कॉलेज कटिहार ही, लेकिन आपको देना है परिवर्तित केंद्र जो है कटिहार टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिरसा कटिहार, यहाँ पर जाकर के आप देंगे, जिसका भी DS कॉलेज कटिहार सेंटर पर आए। वहीं पर आप देख सकते हैं कि RY मनिहारी कॉलेज मनिहारी, इनका सेंटर था SRC डिग्री कॉलेज कटिहार, लेकिन आपका जो सेंटर अब हो गया है DS कॉलेज कटिहार। वैसे आप अपने कॉलेज से भी पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे और सेंटर पर भी पहुंच करके, तो यहाँ पर जो परिवर्तित केंद्र है उनका यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप सभी कॉलेज का परीक्षा सेंटर जान सकते हैं कि कहाँ पर है। तो आपको करना क्या है कि हमारे फेसबुक पेज पर जाना है। तो यहाँ पर BNMU के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सभी कॉलेज का लिस्ट डाउनलोड करेंगे। आपको अपने फेसबुक के अंदर में जाना है और सर्च करेंगे सम्राट सर। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेलिंग सेम होना चाहिए, SMRATSIR सर्च करेंगे। देखिए ये पेज आया, ऊपर में यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं, इनको टच करेंगे। करने के पश्चात देखिए पहले तो पेज ऐसे खुलेगा, आपको आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BNMU पार्ट थर्ड न्यू सेंटर लिस्ट 2018 सम्राट सर। तो यहाँ पर जो परिवर्तित किया गया है वह सेंटर है और आज 7/5/2019 को जारी की गई है। तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहीं पर आपको ये मिल जाएगा ऊपर में ही, लेकिन आप हो सके कि आप एक घंटा बाद देखेंगे, दो दिन पाँच दिन बाद देखेंगे, तो ये पोस्ट काफ़ी नीचे चला जाए, क्योंकि इस पेज पर तो हम बराबर पोस्ट करते रहते हैं, तो इसलिए नीचे चला जाता है। BNMU और पूर्णिया यूनिवर्सिटी से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।